and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूँ हमारी RHCE एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 2 लेकर। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पहले ही इस एग्ज़ाम पेपर के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। और इस पार्ट में हम जो बचे हुए 9 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और मैं सब कुछ आपको यहाँ लाइव सेशन में ही कम्प्लीटली करके दिखाऊंगा अपने टर्मिनल पर। तो आप में से जो लोग, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ अभी नए जुड़े हैं, तो अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है, अगर आपने पार्ट नंबर 1 फॉलो नहीं किया है, तो पहले प्लीज़ पार्ट नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आप इस सेशन को देखिएगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर नहीं। और 2 मिनट के बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं आपके इनपुट्स का वेट करूंगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और आप यहाँ कमेंट तभी कर सकते हैं अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहें, आप अपनी क्वेरीज़ को भी पोस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से आपको लेकर चलना चाहूँगा मेरे मोबाइल सिस्टम की स्क्रीन पर, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ ये RHEL 9 की मशीन है, और ये हमारा Ansible सर्वर है। ये वो सेम मशीन है जिससे हमने लास्ट सेशन में जो 9 क्वेश्चंस थे पहले वो सॉल्व किए थे। तो जब मैंने लास्ट सेशन कंप्लीट किया था, तो मैंने जो हमारी मशीन्स थी उन सब मशीन्स का स्नैपशॉट बैकअप ले लिया था। तो पहले हम उन मशीन्स को रीस्टोर कर लेते हैं, ताकि हम सेशन को वहीं से रिज्यूम कर सकें। तो मैं यहाँ से पहले स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ, और अब आपको लेकर चलता हूँ मेरे VMware वर्कस्टेशन के अंदर। तो यहाँ हमारे पास जो मशीनें हैं, क्योंकि सभी का मैंने स्नैपशॉट ले लिया था 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद, तो वहीं से उसी रीस्टोर पॉइंट से मैं इनको रीस्टोर कर लूँगा। उसी स्नैपशॉट से मैं इन सारी मशीन्स को रीस्टोर कर रहा हूँ, ताकि उसी स्टेट में मुझे मशीन्स मिलें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर वो जो क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं वो हम अगर नहीं करके रखेंगे, तो आगे वाले क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे। और आपको मालूम ही है कि टोटल 5 नोड मशीन्स हैं और एक Ansible सर्वर है, तो यानी कि टोटल 6 मशीनें हैं हमारे इस एग्ज़ाम पेपर में। तो मैंने सारी मशीनों को स्नैपशॉट से रिस्टोर कर लिया है, और अब मैं वापस आ जाऊँगा मोबाइल सिस्टम की स्क्रीन पर, और एक बार वेरीफाई करके देखूंगा कि क्या हम इन मशीन्स को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। तो नोट 1 से हमें आउटपुट मिल रहा है। अब नोट 2 के साथ कनेक्टिविटी चेक करते हैं, यहाँ भी सब कुछ ठीक है। अब नोट 3 मशीन के साथ कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी सब कुछ ठीक है। नोट 4 के साथ भी हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, और नोट 5 मशीन से भी हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है कनेक्टिविटी का। तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो मैं यहाँ से अभी स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है कि आपको होस्ट फाइल को जनरेट करना है। तो इसने पहले एक हमें URL दिया है जहाँ से हमें जो टेम्पलेट फाइल है, Jinja2 टेम्पलेट फाइल है, उसको डाउनलोड करना है, और उसको अपनी Ansible डायरेक्टरी में हमें सेव करना है। उसके बाद हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ताकि हम जो होस्ट फाइल हैं उनकी एंट्री कर सकें। और फिर हमें एक प्लेबुक लिखनी है jen_host.yml, और उसकी मदद से हमें जितनी भी मैनेज नोड्स हैं हमारी, उन पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है etc डायरेक्टरी में माई होस्ट के नाम से, और उस जो फाइल है उसके अंदर सारी ही हमारी मैनेज नोड्स का IP एड्रेस और उनका होस्ट नेम मेंशन्ड होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहाँ हमें शो किया है क्वेश्चन के अंदर। तो ये काम हमें करना है dev host group पर। When completed,
The file etc my host on the host in the dev group should have a line for each managed node. तो वही चीज़ बताई गई है. तो एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या है. आपको एक जिंजर टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड करना है इस URL से. URL आपको गिवन होगा क्वेश्चन में. उसको आपको अपनी होम डायरेक्टरी में सेव करना है एंसिबल डायरेक्टरी के अंदर, और फिर उसमें आपको नेसेसरी चेंजेस करने हैं ताकि जो मैनेज नोड्स हैं उनका IP एड्रेस और होस्ट नेम ये कैप्चर कर सके जब आप इसको पुश करें. उसके बाद आपको एक प्लेबुक लिखनी है jen_host.yml के नाम से, और उस प्लेबुक को इस तरीके से एग्जीक्यूट कराना है कि उसके एग्जीक्यूशन होने पर डेव होस्ट ग्रुप की मशीन्स में एक फाइल क्रिएट हो जाए etc डायरेक्टरी में माई होस्ट के नाम से, और उसमें सारी मैनेज नोड्स का IP एड्रेस और होस्ट नेम मैंशन हो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ शो किया हुआ है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस काम को करने के लिए पहले हम आ जाएंगे सीधे एंसिबल वाली डायरेक्टरी में जो विकास नेहरा की होम डायरेक्टरी में मौजूद है. इसके बाद आपको जो URL गिवन है wget कमांड के बाद वो URL आपको मेंशन करना होगा, और इस फाइल को आप यहाँ डाउनलोड कर लेंगे. अब मेरे पास इस तरह का कोई URL नहीं है, मैं फाइल आपको डायरेक्टली क्रिएट करके दिखाऊंगा. एग्जाम में ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो यहाँ एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी. तो आप ये wget और URL वाली कमांड चला देंगे, इससे फाइल डाउनलोड हो जाएगी इस एंसिबल वाली डायरेक्टरी के अंदर. उसके बाद आप vi एडिटर का यूज़ करेंगे और इस फाइल को एडिट करेंगे. तो होस्ट j2 के नाम से ये फाइल है, मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ. आपके केस में फाइल डाउनलोड हो चुकी होगी तो आप इसको एडिट कर पाएंगे. तो इसमें हमें बताया गया है कि पहली दो लाइनों में आपको कुछ इस तरह की डिटेल्स देखने को मिलेंगी, इनको हमें नहीं छूना है, ये एज इट इज़ आपको दिया गया है क्वेश्चन में. इसके बाद आपको सारी मैनेज नोड्स का IP एड्रेस और होस्ट नेम कैप्चर करना है, और वो फैक्ट्स की मदद से हम करने वाले हैं. तो हम सारी मशीन्स, जितनी भी मशीन्स हैं हमारी, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबसे वो जो फैक्ट्स हैं वो गैदर करने वाले हैं. तो हम यहाँ इस तरीके से इसको लिखेंगे परसेंटाइल फॉर एक्स इन ग्रुप्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल, क्योंकि सभी मशीन से हम उसको करने वाले हैं. और क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें लेके आनी है, हमें मशीन का IP एड्रेस चाहिए, IPv4 जो एड्रेस है, और उसका होस्ट नेम चाहिए, और बीच में हमें फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी चाहिए. तो उसके लिए आप फैक्ट्स का यूज़ करेंगे. होस्ट वेयर्स के अंडर में एंसिबल फैक्ट्स के अंदर IPv4 का जो एड्रेस है वो आप यहाँ से उठा लेंगे इसकी मदद से. फिर इसी तरीके से जो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है यानी कि होस्ट नेम है वो आप उठा लेंगे, और फिर जो नाम आपने उसको असाइन किया है वो आप इससे उठा पाएंगे. उसके बाद ये आपको क्लोज कर देना है नीचे इस तरीके से. फिर आप इस फाइल को सेव कर लेंगे. अब आपको एक प्लेबुक लिखनी है, और प्लेबुक भी आप इसी लोकेशन में बनाएंगे. तो jen_host.yml नाम की ये फाइल है जो हम क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि इसी नाम से हमें फाइल क्रिएट करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर. पहले 3 डॉट लगाएंगे, इस प्लेबुक को एक नाम दे देंगे. तो मैं होस्ट फाइल प्लेबुक का नाम इसको असाइन कर रहा हूँ. पहला जो टास्क है वो हम सभी मशीनों पर रन करने वाले हैं, तो हमने ऑल लिखा है क्योंकि हमें सारी की सारी मशीनों से फैक्ट्स को गैदर करना है. तो टास्क के सामने मैं ब्रैकेट लगा दूंगा ताकि हमारा जो फैक्ट्स को गैदर करने वाला काम है वो हो जाए. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो हम सिर्फ और सिर्फ डेव ग्रुप पर परफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ की हम ETC के अंदर माई होस्ट नाम की फाइल को क्रिएट करेंगे. तो उसके लिए हम लिखेंगे होस्ट, और यहाँ मैं लिखूँगा डेव, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ डेव ग्रुप पर ही वो फाइल्स क्रिएट करने वाला हूँ. अब इसके बाद टास्क, और नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, जो टास्क है उसको एक नाम दे देंगे. तो नाम दे दिया है जनरेटिंग दी होस्ट फाइल, और यहाँ टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे क्योंकि एंसिबल जिंजा के थ्रू ये काम हमें करना है. जो सोर्स फाइल है उसका पाथ है विकास नेहरा की होम डायरेक्टरी में एंसिबल डायरेक्टरी में host.j2. ये हमारी जिंजा टेम्पलेट फाइल है जो हमने अभी अभी एडिट की है, और ये डेस्टिनेशन फाइल है कि जो फाइल क्रिएट हो वो किस लोकेशन में हो, किस नाम से हो. तो डेव ग्रुप की जितनी भी मशीन्स हैं उन सभी के अंदर ETC डायरेक्टरी में माई होस्ट नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी, और वो कैप्चर कर लेगी सभी मैनेज नोड्स के IP एड्रेसेस, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स और उनका होस्ट नेम. अब आप
जैसे इस प्लेबुक को पुश करेंगे तो वहाँ पर ये माय होस्ट नाम की फाइल बन जानी चाहिए सारी की सारी मशीन्स पर जो भी डेव ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए प्लेबुक को पुश कर देते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा तो वेट करना है आपको। देखिए फैक्ट्स को गैदर कर लिया गया है और डेव ग्रुप के ऊपर अभी जो टास्क है ये परफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ की एंसिबल जिंजर टेम्पलेट का यूज़ करके इन फैक्ट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनकी मदद से माय होस्ट नाम की फाइल की एंट्रीज की जा रही हैं। ये जो फैक्ट्स हैं ये काम कैसे कर रहे हैं, इसके लिए आप जो है हमारी ट्रेनिंग के सेशंस देख सकते हैं जहाँ मैंने एंसिबल फैक्ट्स के बारे में आपको बताया है। तो वहाँ बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि IPv4 का कैसे कैप्चर करना है, FQDN कैसे कैप्चर करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं उन सेशंस में जाकर। तो चलिए हमारी प्लेबुक एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या माई होस्ट नाम की फाइल ETC डायरेक्टरी में बनी है डेव ग्रुप की मशीन्स पर या नहीं। तो एनसीबल एडॉक कमांड का यूज़ करते हुए इसको कन्फर्म करेंगे। तो एनसीबल फिर डेव लिखता हूँ क्योंकि डेव ग्रुप पर ये कमांड मैं चला रहा हूँ। -m मॉड्यूल के लिए फिर कमांड मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, -a लगा रहे हैं आर्ग्यूमेंट के लिए और कैट कमांड का यूज़ करते हुए इस फाइल की एंट्रीज को चेक कर रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ बिल्कुल वही चीज़ें हैं जैसी कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी। स्टार्टिंग की लाइंस में वही जो लूप बैक एड्रेस है, लोकल होस्ट लिखा हुआ है, फिर जितने भी मैनेज नोड्स हैं उनका IP एड्रेस है, उनका FQDN है और उनका जो दूसरा नाम आपने उसको असाइन कर रखा है नोड 1 नोड 2, उस तरीके से सारी एंट्रीज यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये काम हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला गया है कि आपको एक प्लेबुक क्रिएट करनी है swreport.yml के नाम से, जो कि प्रोड्यूस करेगी आउटपुट कहाँ पर, रूट डायरेक्टरी में, रूट की होम डायरेक्टरी में swreport.txt के नाम से एक फाइल बनाएगी उसके अंदर, जिसमें कि ये मैनेज नोड्स की कुछ इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके उस फाइल के अंदर डालेगी, जैसे कि इन्वेंट्री होस्ट नेम क्या है उस मशीन का, टोटल मेमोरी कितनी है वहाँ और बायोस वर्जन कौन सा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको एक प्लेबुक लिखनी है इसी एंसिबल वाली डायरेक्टरी में, उसको क्रिएट करना है swreport.yml के नाम से। और ये प्लेबुक जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो मैनेज नोड्स हैं उनमें रूट की होम डायरेक्टरी में swreport.txt नाम की भी एक फाइल जनरेट हो, जिसमें कि उस मशीन की इन्वेंट्री होस्ट नेम की, उसकी मेमोरी की और उसके बायोस वर्जन की इन्फॉर्मेशन कैप्चर्ड हो, और हर एक जो लाइन हो उस फाइल में जिसमें ये इन्फॉर्मेशन मिले उसमें सिंगल लाइन में हो की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो ये काम अब आप कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं सीधे मोबाइल स्ट्रीम की स्क्रीन पर। मेक श्योर करना है आपको कि आप इसी एनसीबल वाली डायरेक्टरी में हैं, ये स्टेप मैंडेटरी है, क्योंकि आपसे गलती हो जाएगी अगर आप किसी दूसरी लोकेशन में फाइल बना देंगे तो। उसके बाद फाइल जो हमें क्रिएट करनी है, अब हम यहाँ पहले इस काम के लिए एनसीबल जिंजा का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेशन मैनेज नोड से ही कैप्चर करनी है। तो यहाँ swreport.j2 नाम की एक एनसीबल जिंजा टेम्पलेट फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसमें हमें बोला गया है एक ही लाइन में की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखनी चाहिए। तो इन्वेंट्री होस्ट नेम क्या है, तो ये वाली वैल्यू हम कैप्चर कर लेंगे FQDN वाले फैक्ट का यूज़ करते हुए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, टोटल मेमोरी MB में कितनी है, तो उसके लिए मैम टोटल अंडरस्कोर MB नाम का जो फैक्ट है उसका हम यूज़ कर लेंगे। बायोस वर्जन की इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए बायोस अंडरस्कोर वर्जन नाम का एक फैक्ट होता है, उसको हम यहाँ कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर कुछ और भी हमें पूछता है तो हम उसी फैक्ट की जो उसका जो वेरिएबल है, जो फैक्ट है, उसको यहाँ डाल देंगे। चलिए हमने जिंजा फाइल क्रिएट कर ली है, अब हम प्लेबुक लिखेंगे। तो swreport.yml नाम की फाइल हमें क्रिएट करनी थी, उसी नाम से प्लेबुक क्रिएट कर लेते हैं।
स्टार्टिंग में 3 डैश लगाएंगे और इस प्लेबुक को एक नाम दे देंगे। तो प्लेबुक फॉर दी हार्डवेयर रिपोर्ट, ये नाम मैंने इसको दे दिया है। अब ये काम हमें सारी मशीन्स के लिए करना है, तो होस्ट्स के सामने लिखेंगे ऑल। अब क्योंकि हमें रूट की होम डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट करनी है और उसके लिए हमें फिर यहाँ बिकम वाले ऑप्शन को ट्रू करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ प्रिविलेज एस्केलेशन में ये चीज़ मेंशन की हुई है। लेकिन ये स्टेप मैंडेटरी तब है जब आपने वहाँ प्रिविलेज एस्केलेशन में डिफाइन ना किया हुआ हो। अब चलते हैं टास्क की तरफ, और जो टास्क है उसमें हम हार्डवेयर रिपोर्ट जनरेट करने वाले हैं। तो नाम देते हैं इस टास्क को जनरेटिंग दी हार्डवेयर रिपोर्ट। टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ जो सोर्स है, जो हमारी जिंजा फाइल है, उसका पाथ मेंशन करेंगे। तो उसका नाम है swreport.j2। इसी Ansible वाली डायरेक्टरी में ये फाइल हमने क्रिएट की है अभी थोड़ी देर पहले। और डेस्टिनेशन फाइल हमें कहाँ क्रिएट करनी है हमारी मैनेज नोड पर, रूट की होम डायरेक्टरी में swreport.txt के नाम से। तो उसका पाथ हम यहाँ असाइन कर देंगे, ये पाथ मेंशन कर देंगे, उसके बाद 3 डॉट लगाएंगे और प्लेबुक को सेव करेंगे। अब इस प्लेबुक को पुश करके देखते हैं। तो चलिए ansible-playbook-hwreport.yml ये कमांड हम चला देंगे, इससे प्लेबुक एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको कैप्चर करके swreport.txt वाली फाइल में मेंशन कर देगी। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा तो आपको वेट करना है। Ansible Navigator का क्वेश्चन भी एक लास्ट में मैंने डाला है, जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उसको मैं Ansible Navigator से आपको करके दिखाऊंगा। चलिए प्लेबुक एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या swreport.txt नाम की फाइल रूट की होम डायरेक्टरी में मैनेज नोड पर बनी भी है या नहीं। तो Ansible adoc कमांड से ये काम हम कर लेंगे। फाइल को ओपन कर लेते हैं Ansible adoc कमांड की मदद से। देखिए हर एक मशीन में ये फाइल बन चुकी है, और उस मशीन की पूरी इन्फॉर्मेशन जो जो हमें चाहिए वो सारी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए BIOS वर्जन भी है, मेमोरी का साइज़ भी दिख रहा है MB में, और उसका होस्ट नेम भी दिख रहा है। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, नोड 5 सबकी इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही है। तो ये काम भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है कि आपको एक प्लेबुक क्रिएट करनी है issue.yml नाम से, और ये प्लेबुक सारी ही होस्ट पर एग्जीक्यूट होगी। और यहाँ आपको करना क्या है कि इसकी मदद से एक फ़ाइल क्रिएट करनी है etc डायरेक्टरी में इशू के नाम से, और डेव होस्ट ग्रुप में इस फाइल के अंदर आपको लिखना है डेवलपमेंट, टेस्ट वाले ग्रुप में लिखना है टेस्ट, और प्रोड वाली मशीन्स पर लिखना है प्रोडक्शन। तो चलिए कैसे करेंगे, आ जाते हैं वापस हमारे मोबाइल एक्सटर्म वाली स्क्रीन पर। आपको जितनी भी प्लेबुक्स बनानी है इसी Ansible वाली डायरेक्टरी में बनानी है, तो मेक श्योर करना है कि आप इसी डायरेक्टरी में हों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप किसी दूसरी लोकेशन में हैं और आपने वहाँ फाइल बना दी, फिर आप ढूंढते फिरेंगे और आप पजल हो जाएंगे। तो ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है। अब हम प्लेबुक क्रिएट करते हैं issue.yml के नाम से। इंसर्ट मोड में जाएंगे VI एडिटर के, और 3 डैश लगाकर इसको एक नाम असाइन करेंगे। तो मैं Ansible प्लेबुक फॉर दी कंटेंट्स इन दी ETC इशू फाइल ये नाम इसको दे दे रहा हूँ। अब ये प्लेबुक हम सारी ही नोड्स पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो होस्ट्स के सामने मैंने लिख दिया है ऑल, इसके बाद लिखेंगे टास्क, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, पहले जो डेव ग्रुप है उसके लिए हम यहाँ एक टास्क मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ रिप्लेसिंग द कंटेंट इन द डेव ग्रुप। तो यहाँ कॉपी मॉड्यूल का यूज़ कर लेंगे। अब कॉपी मॉड्यूल का यूज़ करते हुए हमें जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ लिखना होगा कंटेंट। तो डेव ग्रुप के अंदर उस फाइल में इशू वाली जो फाइल है ETC के अंदर, उसमें हमें लिखना है डेवलपमेंट। तो कंटेंट के सामने लिख देंगे डेवलपमेंट, और ये फाइल आपको बनानी कहाँ है उसका पाथ दे देंगे। डेस्टिनेशन के सामने लिख देंगे ETC होस्ट ETC इशू,
और क्योंकि आपने ऑल लिखा है ऊपर, तो ये वाला टास्क कब एग्जीक्यूट हो? जब आपकी डेव वाली मशीन हो। तो यहाँ व्हेन कंडीशन में आप डिफाइन कर दें कि ग्रुप जो है डेव हो, सिर्फ ये वाला टास्क जो है डेव वाले ग्रुप पर चले, क्योंकि ऊपर तो आपने ऑल लिखा है तो सब पे चल जाएगा अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाते हैं। तो व्हेन कंडीशन में आपने डिफाइन कर दिया कि ये वाला टास्क सिर्फ और सिर्फ डेव वाले ग्रुप पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसी तरीके से टेस्ट वाले के लिए हैं, टेस्ट लिख देंगे, बिल्कुल सेम सारी चीज़ें इसी तरीके की देखने को मिलेंगी, सिर्फ नीचे व्हेन कंडीशन में टेस्ट लिखना है और जो कंटेंट है उसके सामने आपको टेस्ट लिखना है। इसी तरीके से जो प्रोड वाली मशीन्स हैं उनके लिए आपको लिखना होगा एक टास्क, तो वो भी लिख लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। और उसके बाद तीन डॉट लगाएंगे और प्लेबुक को सेव कर देंगे। अब इस प्लेबुक को पुश कर देते हैं, देखिए एरर बोल रहा है, प्लेबुक के अंदर कहीं एरर है, मैंने कुछ छोड़ दिया है आई थिंक। इंडेंटेशन एरर होगी कहीं, यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन का इशू था, ये फ़ायदा है वीआई एडिटर में जो हमने चेंजेस किए थे उसकी मदद से हमें पता चल पा रहा है कि हमने कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की है फाइल के अंदर। चलिए अब मैंने फिक्स कर दिया है सारी इंडेंटेशन एरर्स को, अब प्लेबुक को पुश करते हैं। देखिए डेव वाले ग्रुप पर एग्जीक्यूट हुआ है, टेस्ट वाले पर भी एग्जीक्यूट हुआ है और प्रोड वाले पर भी एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये जो प्लेबुक एग्जीक्यूट हुई है इसने अपना काम किया है या नहीं। तो पहले हम प्रोड वाले ग्रुप की मशीन्स में ETC इशू फाइल की एंट्रीज को चेक करते हैं एनसीबल एडोक कमांड की मदद से। देखिए प्रोडक्शन लिख के आ रहा है प्रोड वाली मशीन्स के लिए, इसी तरीके से प्रोड की जगह डेव कर देंगे ग्रुप का नाम और डेव वाले ग्रुप पर चेक करके देखेंगे, तो यहाँ डेवलपमेंट लिख के आना चाहिए बिल्कुल। और इसी तरीके से अब हम टेस्ट वाले ग्रुप पर ये काम करके देखते हैं, तो यहाँ टेस्ट लिख के आना चाहिए। तो बिल्कुल सही से जैसे क्वेश्चन में बोला गया था उसी तरीके से हमने जो टास्क था वो परफॉर्म कर दिया है। अब हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला गया है कि आपको रीकी करना है एनसीबल वॉल्ट को, मतलब जो आपका एनसीबल वॉल्ट है, जो क्वेश्चन आपने लास्ट सेशन में परफॉर्म किया था सेशन नंबर 1 में, उसमें आपने एक वॉल्ट क्रिएट किया था वॉल्ट डॉट वाईएमएल नाम से, तो उसकी की चेंज करनी है आपको। रीकी का मतलब है की को चेंज करना है आपको, नया पासवर्ड सेट करना है आपको और जो पासवर्ड है वो एनसीबल होगा, पहले पासवर्ड हो सकता है कुछ और हो, आई थिंक नेहरा क्लासेस पासवर्ड हमने रखा था वहाँ, और जो वॉल्ट है वो एनक्रिप्टेड स्टेट में ही रहे नए पासवर्ड के साथ, आपको उसको डिक्रिप्ट नहीं करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैंने इसीलिए आपको कहा था कि जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, इसीलिए मैंने स्नैपशॉट बैकअप भी लिया था। चलते हैं वापस इसी एनसीबल वाली डायरेक्टरी में। सबसे पहला स्टेप यही परफॉर्म करना है आपको इन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसी डायरेक्टरी में हों, या फिर अगर आप दूसरी लोकेशन में हैं तो आप पूरा पाथ मेंशन करें। तो यहाँ हमने एक फ़ाइल बनाई थी vault.yml नाम से। देखिए इस फाइल को अगर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे कैट कमांड का यूज़ करते हुए, तो ये ओपन नहीं होगी क्योंकि ये फाइल जो है इनक्रिप्टेड है। तो इसको अगर आपको ओपन करना है तो ansible vault view कमांड आपको चलानी होती है इसको ओपन करने के लिए, और आपको वहाँ पासवर्ड देना होता है तभी आप इस फाइल को रीड कर सकते हैं। अभी पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, पासवर्ड हमने रखा था लास्ट टाइम नेहरा क्लासेस जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो हमें दिख रही हैं, यहाँ एक डेव पास नाम का वेरिएबल है जिसके सामने रेड हैट लिखा है, एक
mgr_pass नाम से, जिसके सामने लिनक्स लिखा हुआ है। तो ये कंटेंट्स हैं इसके, और इसका जो पासवर्ड है वॉल्ट का वो है नेहरा क्लासेस। और ये जो पासवर्ड था ये हमने रखा था एक फ़ाइल के अंदर, अगर आपको याद हो तो यहाँ मैं वो फ़ाइल भी आपको दिखा देता हूँ। password.txt नाम की फ़ाइल थी, तो इस फाइल में पासवर्ड हमने रखा हुआ था। चलिए अब हमें इसको रीकी करना है। रीकी का मतलब है हमें इसकी की चेंज करनी है। तो कैसे करेंगे, आप कमांड चलाएंगे ansible-vault-rekey, उसके बाद --ask-pass आपको लिखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पासवर्ड मैन्युअली मेंशन करेंगे। अगर आप फाइल से करना चाहते हैं तो फाइल का पाथ दे सकते हैं। अब ये जो एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वो पूछ रहा है, तो यहाँ आपको लिखना है नेहरा क्लासेस। अब फिर आपको नया पासवर्ड देना है, नया पासवर्ड है ansible, तो दो बार आपको ansible यहाँ मेंशन करना होगा। री की सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब ये है कि आपकी जो की है वो चेंज होगी। अब आप दोबारा से ओपन करके देखिए कि क्या ये फ़ाइल जो है वो डिक्रिप्ट तो नहीं होगी। जी नहीं, बिल्कुल एनक्रिप्टेड स्टेट में है। और अब आप दोबारा इस फाइल को एक बार ओपन करके देखेंगे ansible-vault-view कमांड चलाकर, और यहाँ आपको पासवर्ड अब देना पड़ेगा ansible। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ansible, और ansible देने पर ये हमें कंटेंट शो कर रही है, डिक्रिप्ट हो जा रही है। तो इसका मतलब सक्सेसफुली हमने की को चेंज कर दिया है। और एक काम और आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, वो जो आपने फ़ाइल बनाई थी पासवर्ड वाली password.txt, इसमें भी आप पासवर्ड चेंज करके ansible ही कर दें, क्योंकि हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत पड़े। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हो गया। देखने में क्वेश्चन लग रहा था बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना छोटा क्वेश्चन था। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है question number 14। इसमें हमें यूज़र अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ बेसिकली एक लिस्ट है हमारे पास इस URL पर, तो वहाँ से ये लिस्ट जो है इसे हमें डाउनलोड करना है अपनी इस ansible वाली डायरेक्टरी के अंदर, और फिर हमें vault का यूज़ करना है, जो हमने vault अभी जिसकी की हमने चेंज की है, तो उस vault का यूज़ करना है। और यहाँ एक प्लेबुक हमें क्रिएट करनी है create_user.yml के नाम से, और उसकी मदद से हमें कुछ यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। तो इसमें हमें अलग अलग जॉब्स दिए गए हैं। जो पहला इसका पार्ट है उसमें बोला गया है यूज़र्स विद अ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ डेवलपर शुड बी क्रिएटेड ऑन दी मैनेज नोट्स इन दी डेव एंड टेस्ट होस्ट ग्रुप। तो हमें यहाँ डेवलपर डिस्क्रिप्शन वाले यूज़र्स को क्रिएट करना है डेव और टेस्ट होस्ट ग्रुप वाली मशीन्स पर, और उनको पासवर्ड असाइन करना है dev_pass वाला। dev_pass वाला पासवर्ड कौन सा है, जो हमने वॉल्ट में अभी आपको दिखाया था, जो vault.yml फाइल थी, जो एनक्रिप्टेड फाइल थी, उसमें ये dev_pass के सामने जो रेड हैट लिखा हुआ था आई थिंक, तो वो पासवर्ड हमें यूज़ करना है। और DevOps नाम के ग्रुप के मेंबर्स हों ये जो यूज़र्स हैं, जो ये डेवलपर वाले यूज़र हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मैनेजर प्रोफाइल या मैनेजर डिस्क्रिप्शन वाले यूज़र्स को क्रिएट करना है प्रोड वाले होस्ट ग्रुप की मशीन्स पर, और जो उसका पासवर्ड है वो वॉल्ट के अंदर है manager_pass नाम के वेरिएबल में स्टोर, या आई थिंक लिनक्स लिखा हुआ था वहाँ, तो ये लिनक्स वाला जो पासवर्ड है वो इसके लिए आपको यूज़ करना है। और यहाँ ये जो यूज़र्स होंगे ये ऑपरेशंस मैनेजर यानी कि OPS MGR ग्रुप के मेंबर भी हों। तीसरा इसमें पार्ट है, उसमें कहा गया है कि जो पासवर्ड है उसके लिए आपको SHA-512 हैश फॉर्मेट का यूज़ करना है, यानी कि एनक्रिप्टेड पासवर्ड आपका होना चाहिए। और जो आपकी प्लेबुक है वो उस वॉल्ट का यूज़ करें जो आपने इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के टाइम पे किसी दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व किया है, यानी कि प्लेबुक जो है आपकी उसमें आपको वॉल्ट का यूज़ करना पड़ेगा पासवर्ड्स के लिए। और वॉल्ट कौन सा, जो आपने पिछले क्वेश्चंस में क्रिएट किया हो उसका आपको यूज़ करना है। तो मैंने इसीलिए आपको बताया था जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। चलिए अब वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेक श्योर करना है हमें कि हम इसी ansible वाली डायरेक्टरी में हैं। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप इसी डायरेक्टरी में हैं, cd कमांड चला भी सकते हैं आप। उसके बाद जो यूज़र लिस्ट है इसको आपको डाउनलोड करना है, जो URL आपको दिया होगा, तो wget कमांड चलाकर URL मेंशन कर देंगे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब मेरे पास ये फाइल नहीं है तो मैं इसको क्रिएट कर लूँगा आपको, लेकिन ये स्टेप फॉलो करना है। इसके बाद आप इस फाइल को एडिट करेंगे, इसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो आपको करने हैं, तो vi editor का यूज़ कीजिए, और user_list है इस फाइल का नाम, तो इस फाइल को आप ओपन कर लें।
तो यहाँ आपको बहुत सारी एंट्रीज़ दिखेंगी क्योंकि आपने तो फाइल डाउनलोड की होगी। अब मेरे पास वो एंट्रीज़ नहीं है तो मैंने उनको मैन्युअली मेंशन किया हुआ है, तो मैं ये एंट्रीज़ यहाँ आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ यूज़र्स हैं बहुत सारे, एक एडम नाम का यूज़र है जो कि डेवलपर ग्रुप, मतलब डेवलपर है एक्चुअली, उसकी यूज़र आई डी होनी चाहिए 3000। एक गैब्रियल नाम का है जो कि मैनेजर है, उसकी यूज़र आई डी है 3001। एक लूसीफर नाम का है जिसकी आई डी है 3002 और ये डेवलपर ग्रुप का है, यानी कि ये डेवलपर है। अब यही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है, यूज़र का नाम, उसका जॉब और उसकी यूज़र आईडी। अब आपको एक प्लेबुक लिखनी है जिसमें आपको इस लिस्ट का यूज़ करना है, इस लिस्ट का भी यूज़ करना है और जो वॉल्ट है उसका भी यूज़ करना है। तो प्लेबुक जो हम क्रिएट करने वाले हैं उसका हम नाम दे रहे हैं create_user.yml, और ये ऐसी एंसिबल वाली डायरेक्टरी में हम क्रिएट कर रहे हैं और यही नाम हमें दिया गया है क्वेश्चन में, इसीलिए ये नाम हमने यहाँ यूज़ किया है। कैसे करेंगे, पहले 3 डैश लगाएंगे, इसको एक नाम दे देते हैं, यूज़र्स एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट प्लेबुक, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद पहले हम जो टेस्ट और डेव वाले ग्रुप वाली हमारी मैनेज नोट्स हैं उनके टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो होस्ट में मैं लिख देता हूँ टेस्ट एंड डेव। इसके बाद क्योंकि हमें यहाँ कुछ फाइल्स की ज़रूरत है जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए where_files ये मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। तो एक फ़ाइल तो है यूज़र लिस्ट वाली, उसका पाथ हम यहाँ इसको दे देंगे जो फाइल हमने अभी अभी एडिट की थी, और दूसरी फाइल है हमारी एंसिबल वॉल्ट वाली, यानी कि जिसमें हमने पासवर्ड रखा है, तो उसका भी पाथ हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अब इसके बाद चलते हैं टास्क की तरफ। तो हमें डेवऑप्स नाम का ग्रुप चाहिए पहले, क्योंकि उस ग्रुप में हमें इन यूज़र्स को ऐड करना है जो यूज़र अकाउंट्स हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ टास्क के अंदर जाते हैं और पहला टास्क है ग्रुप को ऐड करना, तो ग्रुप मॉड्यूल का यूज़ कर लिया है और यहाँ डेवऑप्स के नाम से हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है अपनी मशीन के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। जो हमारा अगला टास्क है इसमें हमें यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और ये डेवलपर प्रोफाइल वाले यूज़र हैं, तो इस टास्क को मैं नाम दे देता हूँ क्रिएटिंग द यूज़र्स हैविंग द डेवलपर प्रोफाइल। यूज़र मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी। तो इस यूज़र मॉड्यूल में हमें यहाँ एक्चुअली नाम की ज़रूरत होगी, यूज़र का नाम क्या है। अब हम यहाँ मैनुअली तो मेंशन करेंगे नहीं क्योंकि हम फाइल का यूज़ करने वाले हैं। तो वहाँ जो अभी मैंने आपको फाइल दिखाई थी यूज़र लिस्ट वाली, उसमें वहाँ एक नाम था हर एक यूज़र के सामने। तो यहाँ item.name नाम का एक वेरिएबल है जो हम कॉल कर सकते हैं, तो ये अपने आप नाम उठा लेगा। इसके बाद उसकी यूज़र आईडी क्या है, तो उसी यूज़र की यूज़र आईडी भी हमें चाहिए। तो यूआईडी के सामने मैंने item.uid लिख दिया है। अब ये यूज़र जो है इस डेवऑप्स वाले ग्रुप का मेंबर भी हो, तो ग्रुप्स के सामने लिख दिया है डेवऑप्स। अब ये क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप है तो यहाँ ग्रुप्स लिखा है मैंने। स्टेट में लिख देंगे प्रेजेंट। अब उसका पासवर्ड क्या हो, पासवर्ड कहाँ है, पासवर्ड है उस वॉल्ट वाली फाइल में vault.yml। तो यहाँ आपको उस वेरिएबल को कॉल करना है dev_pass वाला जो आपका वेरिएबल था, इस तरीके से। और यहाँ क्योंकि हमें कहा गया है कि SHA-512 फॉर्मेट का यूज़ करना है, हैश करना है, यानी कि एनक्रिप्टेड पासवर्ड जनरेट हो, तो वहाँ से ये dev_pass वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है, यानी कि वहाँ आई थिंक रेडेट था पासवर्ड, उसको ये लेगा और उसको फिर एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव करा देगा हमारी मशीन के अंदर। अब ये काम आपको कब करना है, मतलब ये टास्क जो है कब परफॉर्म हो, वहाँ तो यूज़र लिस्ट में तो बहुत सारे यूज़र्स हैं ना, उसमें तो डेवलपर भी है मैनेजर भी है। तो यहाँ कंडीशन है जब आइटम जॉब की वैल्यू डेवलपर के बराबर हो, यानी कि सिर्फ डेवलपर के लिए काम होना है, बाकी जो मैनेजर है उसके लिए इसको इग्नोर कर दिया जाए। और आपको लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं, तो यहाँ यूज़र्स लिखना होगा वो लिस्ट में जो मेन वाला जो की थी यूज़र, क्योंकि उसी के अंडर में था सब कुछ, तो यहाँ आपको यूज़र्स लिखना होगा। अब उस यूज़र लिस्ट में जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जितनी भी लिस्ट हैं, उन सभी पे ये काम करेगी जिनके सामने डेवलपर लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से प्रोड वाला जो ग्रुप है मशीन्स का, उनके लिए ये काम हमें करना है।
इंडेंटेशन का ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से लिखते हैं, देखिए होस्ट के सामने लिख दिया है प्रॉड, फिर दोनों जो फाइल्स हैं हमारी उनको हमने यहाँ मेंशन कर दिया है वेयर्स अंडरस्कोर फाइल वाले सेक्शन में, ताकि वहाँ से डेटा को इंपोर्ट किया जा सके जब प्लेबुक एग्जीक्यूट हो रही हो। टास्क्स में हमने उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था, पहले एक ग्रुप क्रिएट किया है ऑपरेशंस मैनेजर के नाम से, और फिर जो यूज़र्स हम क्रिएट कर रहे हैं उनके नाम क्या हैं, उनकी आईडीज़ क्या हैं, वो इस ग्रुप के मेंबर हैं और उनका पासवर्ड क्या है, वो सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब ये जो कंडीशन है ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि मैनेजर के लिए काम होना है, क्योंकि मैनेजर वाले जो यूज़र्स हैं वही हमें इस प्रोड वाले ग्रुप पर एग्जीक्यूट करने हैं, ग्रुप प्रोड वाले ग्रुप में जो मशीन्स हैं उस पर ये यूज़र्स हमें क्रिएट करने हैं। अब इस प्लेबुक को सेव कर लेते हैं और फिर हम इस प्लेबुक को एग्जीक्यूट करेंगे। और मेक श्योर करना है आपको एक चीज़ कि ये जो पासवर्ड फाइल थी उसमें वो लेटेस्ट वाला पासवर्ड ही हो, ये जो एंसिबल लिखा हुआ था वॉल्ट का पासवर्ड यहाँ यही रहे, ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, क्योंकि आपने जो है पासवर्ड चेंज कर दिया था पिछले से पिछले क्वेश्चन में। अब हम इस प्लेबुक को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ होगा क्या, क्योंकि हमने यहाँ यूज़ किया है हमारे वॉल्ट का, तो जब हम इस प्लेबुक को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वॉल्ट वाली फाइल को इम्पोर्ट करेगा। अब वो फाइल है इनक्रिप्टेड तो उसका हमें पासवर्ड यहाँ मैंशन करना होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -vault-password-file और उसका पाथ दे देता हूँ, तो वो पहले डिक्रिप्ट होगी, फिर उसका जो डेटा है उसको इम्पोर्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर इस प्लेबुक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब यहाँ जो डेव और टेस्ट वाली मशीन्स हैं उसमें डेवलपर वाला यूज़र अकाउंट क्रिएट होगा, डेवलपर प्रोफाइल वाले यूज़र्स के लिए अकाउंट क्रिएट होंगे, और जो हमारी प्रोड वाली मशीन है उसमें मैनेजर वाले अकाउंट्स क्रिएट किए जाएंगे। देखिए नोड वन नोड टू पर टास्क परफॉर्म हो चुके हैं, अब प्रोड वाले मशीन्स पर टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है। देखिए लूसीफर और एडम ये दोनों जो हैं ये डेवलपर अकाउंट थे, डेवलपर वाले अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं हमारे मैनेज नोड पर, नोड वन और नोड टू मशीन्स पर। देखिए हो गया, अब हम वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या ये यूज़र अकाउंट्स वहाँ क्रिएट भी हुए हैं या नहीं। तो सारी की सारी जो मशीन्स हैं उन सब में हम पहले लूसीफर यूज़र की एंट्री चेक करते हैं कि ये यूज़र किस किस ग्रुप का मेंबर है। तो नोड वन और नोड टू मशीन पर ये यूज़र है और ये डेवऑप्स ग्रुप का मेंबर है, ये डेवलपर है, तो इन्हीं दोनों मशीन्स पर हमें ये अकाउंट क्रिएट करना था, बाकी पर नहीं करना था, तो ये वाला काम परफेक्टली हुआ है। अब इसी तरीके से गैब्रियल को चेक करते हैं कि गैब्रियल किस किस मशीन में प्रेजेंट है। तो जो गैब्रियल यूज़र है उसकी एंट्रीज चेक कर रहे हैं, तो नोड थ्री और नोड फोर मशीन्स पर इसकी एंट्रीज मौजूद हैं और ये मैनेजर है, तो ऑपरेशंस मैनेजर नाम के ग्रुप का मेंबर है ये। अब इसी तरीके से एडम के लिए चेक करेंगे, तो जो एडम है वो भी डेवलपर है, तो ये भी नोड वन और नोड टू मशीन पर आपको देखने को मिलेगा और ये डेवऑप्स ग्रुप का मेंबर भी होगा, बाकी मशीन्स पे आपको नहीं दिखेगा, तो रेड कलर से शो कर रहा है बाकी मशीन्स को। तो बिल्कुल सही से जैसे हमने चाहा था, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था उसी तरीके से जॉब हमने परफॉर्म कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडोक कमांड से आप वेरीफाई कर लेंगे ना तो आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि आपसे क्या पूछा था और आपने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है कि एक क्रोन जॉब आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो एक यहाँ बेसिकली आपको एंसिबल प्लेबुक लिखनी है crone.yml नाम से, वो प्लेबुक सारे मैनेज नोड पर रन होगी और जो ये प्लेबुक है वह क्रोन जॉब शेड्यूल करे जो कि हर 2 मिनट बाद एग्जीक्यूट हो, और ये एक कमांड एग्जीक्यूट करेगा लोगर कमांड, यानी कि लॉग फाइल में एंट्री कराए और वहाँ लिख कर आए EX294 एग्जाम इन प्रोग्रेस, और ये काम आपको नतासा यूज़र के अकाउंट से करना है। तो पहले नतासा यूज़र अगर नहीं है तो आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा। चलिए वापस आ जाते हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसी एंसिबल वाली डायरेक्टरी में मौजूद हैं, सीडी कमांड चलाकर या पीडब्ल्यूडी कमांड चलाकर आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब हम crone.yml नाम की एक प्लेबुक क्रिएट करने वाले हैं, स्टार्टिंग में 3 डैश लगाएंगे, इसको एक नाम दे देंगे प्लेबुक को, क्रोन जॉब प्लेबुक मैंने नाम दे दिया है। ये प्लेबुक हम एग्जीक्यूट करेंगे सारे ही मैनेज नोड्स पर,
चलते हैं सारे टास्क्स की तरफ। तो पहला जो टास्क है उसमें हमें एक नताशा नाम का यूज़र क्रिएट करना है जिससे कि क्रोन जॉब शेड्यूल किया जाएगा। तो यहाँ यूज़र मॉड्यूल का यूज़ कर लेंगे, यूज़र का नाम लिख देंगे नताशा, स्टेट में लिख देंगे प्रेजेंट। इंडेंटेशन का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जैसे मैंने अभी गलती कर दी थी, ध्यान नहीं दिया था। अब आपको क्रोन जॉब शेड्यूल करना है, तो टास्क का नाम दे दिया है शेड्यूलिंग दी क्रोन जॉब। क्रोन मॉड्यूल का यूज़ कर लेंगे। ये सब कुछ मैं करा चुका हूँ आपको, अगर आपने प्लेबुक सीखे होंगे लिखना, अगर आपने सही से ट्रेनिंग को फॉलो किया होगा, सारे सेशंस देखे होंगे, तो आप आसानी से ये टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। अब यहाँ जो नाम है वो है क्रोन जॉब फॉर दी नताशा यूज़र, ये नाम हमने मेंशन कर दिया है। अब ये जॉब कितनी मिनट के बाद एग्जीक्यूट हो, तो मिनट के सामने एस्ट्रिक बाय 2 लिख दिया है, तो हर 2 मिनट के बाद इसको एग्जीक्यूट होना है। जॉब क्या है, जॉब में एक कमांड है लोगर कमांड, वो हमें एग्जीक्यूट करानी है। तो जॉब के सामने लिख देंगे लोगर, और लोगर के बाद जो टेक्स्ट हम डालना चाहते हैं लॉग्स के अंदर वो है EX294 एग्जाम इन प्रोग्रेस, तो इसको मैंने डबल कोट से क्लोज किया है। लोगर कमांड से आप लॉग्स जनरेट कर सकते हैं। अब कौन से यूज़र से ये काम होगा, तो यूज़र के सामने लिख देंगे नताशा, ये यूज़र अकाउंट हम क्रिएट कर चुके हैं पिछले ही टास्क के अंदर। उसके बाद आप 3 डॉट लगाइए और प्लेबुक को सेव कीजिए। मैं आपको सब कुछ वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इस प्लेबुक को पुश करते हैं। तो ansible-playbook-cron.yml, तो सबसे पहले फैक्ट्स को गैदर किया जाएगा सारी ही मैनेज नोट्स पर, और उसके बाद नताशा यूज़र अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा सारी ही मशीन्स पर, और फिर इस नताशा यूज़र की मदद से क्रोन जॉब शेड्यूल होगा जो कि हर 2 मिनट के बाद ये जो टेक्स्ट है ये लॉग्स के अंदर डालता रहेगा। देखिए, तो आपने देखा कि प्लेबुक एग्जीक्यूट हो चुकी है और सक्सेसफुली इसने अपना काम कर दिया होगा। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या नताशा यूज़र ने कोई क्रोन जॉब शेड्यूल किया है सारी ही मशीन्स पर या नहीं। तो एनसीबल एडोब कमांड से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एनसीबल के बाद लिखेंगे ऑल क्योंकि सारी मशीन्स पर चेक करने हैं, हाइफन एम लगाएंगे, फिर लिखेंगे कमांड क्योंकि कमांड मॉड्यूल का हमें यूज़ करना होगा, हाइफन ए लगा रहे हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, और आर्ग्यूमेंट में मैं लिख रहा हूँ क्रोन टैब हाइफन एल। क्रोन टैब हाइफन एल का मतलब है कि लिस्ट कीजिए क्रोन टैब को। हाइफन यू लगा रहे हैं यूज़र के लिए, और उसके बाद लिख रहे हैं नताशा, यानी कि नताशा यूज़र का जो क्रोन टैब है उसकी लिस्ट हमें शो करिए। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्रोन जॉब शेड्यूल हो चुका है। तो यहाँ लिखा भी आ रहा है कि जो क्रोन जॉब है वो नताशा यूज़र के लिए शेड्यूल्ड है, और ये लोगर कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है जिसमें हम फाइल में लिख रहे हैं EX294 एग्जाम इन प्रोग्रेस, और ये टास्क हर 2 मिनट के बाद एग्जीक्यूट होगा इन सारे ही मैनेज नोट्स पर। तो हर 2 मिनट के बाद लॉग फाइल के अंदर एंट्री हो रही होगी, और आई थिंक 2 मिनट हो चुके हैं इस जॉब को शेड्यूल किए हुए। तो अगर हम क्रोन के लॉग को चेक करेंगे तो हमें ये एंट्री वहाँ दिखनी चाहिए क्योंकि हम इसको ऑलरेडी शेड्यूल कर चुके हैं। तो एनसीबल ऑल हाइफन एम कमांड हाइफन ए, और यहाँ टेल करके वेयर लॉग क्रोन, यानी कि क्रोन का मैं आउटपुट यहाँ चेक कर रहा हूँ। तो देखिए ये नताशा की एंट्रीज हमें यहाँ शो हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही से इसने अपना काम कर दिया है। देखिए अगर आप लॉग्स को चेक करेंगे तो यहाँ हर 2 मिनट के बाद आपको ये लाइन दिखेगी EX294 एग्जाम इन प्रोग्रेस, ये लॉग्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। हर 2 मिनट के बाद ये एंट्री आपको यहाँ दिख जाएगी। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, तो वेयर लॉग मैसेजेस की लास्ट की कुछ लाइनें मैंने यहाँ देखी हैं, चेक करनी चाहिए, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, टेल हाइफन 30 कर लेते हैं, लास्ट की 30 लाइंस देखना चाहते हैं हम वेयर लॉग मैसेजेस की।
क्योंकि बहुत सारे लॉक्स जनरेट हो रहे होंगे तो ये ऊपर चला गया है, तो मैंने आपको दिखा दिया था। वैसे देखिए EX294 एग्जाम इन प्रोग्रेस एंट्रीज हमें दिख रही हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोल रहा है कि आपको एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो एक प्लेबुक लिखिए जिसका नाम हो lvm.yml, उसी एनसीबल वाली डायरेक्टरी में आपको उसको क्रिएट करना है। और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, द लॉजिकल वॉल्यूम इज क्रिएटेड इन द रिसर्च वॉल्यूम ग्रुप, तो जो LVM है वो रिसर्च नाम के वॉल्यूम ग्रुप में आपको बनाना है। LVM का नाम होगा डेटा, LVM का साइज़ होगा 1200 MB यानी कि 1200 MB। इसको फॉर्मेट करना है आपको EXT4 टाइप फाइल सिस्टम में, और अगर रिक्वेस्टेड लॉजिकल वॉल्यूम आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप डेटा नाम का ये लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एरर शो होना चाहिए, कुड नॉट क्रिएट द लॉजिकल वॉल्यूम ऑफ दैट साइज़, और ऐसी कंडीशन में फिर आपको इसको 800 MB के साइज़ का क्रिएट करना है। मतलब अगर 1200 का नहीं हो पाया तो एरर शो हो और 800 MB का क्रिएट हो जाए। अगर वॉल्यूम ग्रुप एग्जिस्ट ना करता हो तो एक मैसेज प्रिंट हो कि वॉल्यूम ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट, और आपको इसको कहीं माउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारी रिक्वायरमेंट्स। चलते हैं सीधे MobaXtreme की स्क्रीन पर और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसी एनसीबल वाली डायरेक्टरी में हैं जो आपके होम डायरेक्टरी में मौजूद है। प्लेबुक लिखते हैं lvm.yml के नाम से। सभी मशीन्स पर यह टास्क परफॉर्म करना है, तो पहले 3 डैश लगाते हैं, प्लेबुक को एक नाम दे देते हैं, होस्ट के सामने लिख देते हैं ऑल, और टास्क लिखते हैं। अब यहाँ पहले हमें कुछ डिटेल्स चेक करनी है, तो पहला टास्क है कि हम जिसमें डिटेल्स को चेक करने वाले हैं, और हम यहाँ ब्लॉक एंड रेस्क्यू का यूज़ करेंगे। ब्लॉक एंड रेस्क्यू का मतलब यह है कि मतलब अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट ना हो पाए तो फिर रेस्क्यू वाले टास्क पे चला जाए सिस्टम। तो यहाँ मैं पहले ब्लॉक वाली एंट्रीज कर देता हूँ। देखिए तो हम डिटेल्स चेक कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने इसकी एंट्री करी है ब्लॉक में। अब ब्लॉक में मैं क्या कर रहा हूँ, अगर वॉल्यूम ग्रुप मौजूद ना हो तो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए वॉल्यूम ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसा कब हो, अगर यहाँ इसको फैक्ट्स में वॉल्यूम ग्रुप ना दिखे। दूसरा है अगर वॉल्यूम ग्रुप मौजूद है तो फिर एक 1200 MB का LVM क्रिएट हो जाए, और इसके लिए LVOL मॉड्यूल का हम यूज़ कर रहे हैं। वॉल्यूम ग्रुप का नाम है रिसर्च, लॉजिकल वॉल्यूम का नाम है डेटा, साइज़ है 1200 MB, और ये ऐसा काम कब हो, जब यहाँ ये वॉल्यूम ग्रुप एग्जिस्ट करता हो। तो ये दोनों टास्क तब परफॉर्म होंगे अगर ये जो वॉल्यूम ग्रुप है ये एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर डिबग मॉड्यूल की मदद से वॉल्यूम ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब अगर साइज का इशू है, पहली कंडीशन तो ये है कि भाई वॉल्यूम ग्रुप हो, अगर नहीं है तो मैसेज सीधे प्रिंट हो जाएगा वॉल्यूम ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वॉल्यूम ग्रुप है फिर चेक करें कि 1200 MB का LVM बन पा रहा है या नहीं, यानी कि 1200 MB वहाँ साइज़ मौजूद है, स्पेस मौजूद है या नहीं। अगर है तो हो जाए, नहीं है तो फिर 800 MB का क्रिएट हो। तो फिर अगर यहाँ 1200 से कम स्पेस अवेलेबल है तो रेस्क्यू वाले टास्क पे ये चला जाए। तो रेस्क्यू वाले टास्क के लिए हम यहाँ फिर एंट्री कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए रेस्क्यू, अब टास्क क्या है, अगर रिक्वेस्टेड लॉजिकल वॉल्यूम उस साइज़ का ना बन पा रहा हो तो फिर 800 MB का बन जाए। तो डिबग मॉड्यूल की मदद से एक मैसेज प्रिंट हो कि जो लॉजिकल वॉल्यूम है वो यहाँ क्रिएट नहीं हो सकता है। और ऐसा कब हो, अगर ये LVM ये जो वॉल्यूम ग्रुप है वे वहाँ मौजूद है, तो फिर उस कंडीशन में क्या हो कि 800 MB का LVM क्रिएट हो जाए। तो LVOL मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम ग्रुप है रिसर्च, लॉजिकल वॉल्यूम का नाम है डेटा, और साइज़ है 800 MB। और अगर ये टास्क परफॉर्म हो जाए तो हर बार फिर EXT4 टाइप फाइल सिस्टम जनरेट हो जाना चाहिए, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। तो यहाँ हम ऑलवेज करके एक ये चीज़ डाल देते हैं, एक टास्क मेंशन कर देते हैं, ये जो LVM है फिर EXT4 टाइप फाइल सिस्टम में फॉर्मेट हो जाए। तो अगर यहाँ ये LVM बन जाता है तो ये ऑलवेज वाला टास्क हमेशा परफॉर्म होना चाहिए। अब इस प्लेबुक को सेव कर लेते हैं और इस प्लेबुक को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन यहाँ
मेरे केस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में। कम्युनिटी जनरल नाम का एक कलेक्शन है, वो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लेबुक को एग्जीक्यूट करने से पहले, क्योंकि LVOL मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ तो सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, तो आप ये स्टेप वहाँ परफॉर्म ना करें, आप डायरेक्टली प्लेबुक को एग्जीक्यूट कीजिएगा। अब चलिए हम अपनी प्लेबुक को एग्जीक्यूट कर देते हैं LVM.yml वाली को। तो मुझे मालूम है कि हमारे पास कोई वॉल्यूम ग्रुप तो मौजूद है नहीं रिसर्च नाम का। देखिए क्या मैसेज प्रिंट होगा। देखिए वॉल्यूम ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट, और यही हम चाहते थे। वॉल्यूम ग्रुप है ही नहीं, तो ना तो 1200 MB का LVM क्रिएट हो पाएगा और ना ही 800 MB का LVM क्रिएट हो पाएगा। चलिए, लेकिन आपको नहीं पता है ना कि है या नहीं है, तो आप मेक श्योर करेंगे प्लेबुक आपको डिज़ाइन ही उस तरीके से करनी पड़ेगी कि अगर है तो काम करे, नहीं है तो ना काम करे। या आप मैनुअली वेरीफाई नहीं करेंगे, मैनुअली करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ आपको पार्टीशंस क्रिएट करने हैं, तो एक प्लेबुक पार्टीशन डॉट वाईएमएल नाम से आपको क्रिएट करनी है इसी एंसिबल वाले डायरेक्टरी के अंदर। अब यहाँ कंडीशंस क्या हैं कि सारी मैनेज नोड पर यह प्लेबुक रन हो, और यहाँ एक VDB डायरेक्ट डिस्क पर 1200 MB का प्राइमरी पार्टीशन पार्टीशन 1 के नाम से आपको क्रिएट करना है, और इसको फॉर्मेट करना है EXT4 टाइप फाइल सिस्टम में, और फिर प्रोडक्शन वाले ग्रुप की जो मशीन्स हैं उनमें आपको SRB डायरेक्टरी पर इसको माउंट कर देना है। और अगर एनफ स्पेस नहीं है आपके डिस्क पर तो एक एरर मैसेज प्रिंट हो, कुड नॉट क्रिएट दी पार्टीशन ऑफ दैट साइज, और उस केस में फिर 800 MB का पार्टीशन क्रिएट हो जाए। और अगर VDB जो डिस्क है वो एग्जिस्ट ना करती हो तो एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि दिस डिस्क डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला वाला परफॉर्म किया था। वापस आ जाते हैं, तो सबसे पहले मेक श्योर करते हैं कि हम इसी एंसिबल डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब हम प्लेबुक क्रिएट करेंगे पार्टीशन डॉट वाईएमएल के नाम से। इस प्लेबुक को एक नाम दे देते हैं पार्टीशन प्लेबुक। सारे ही मैनेज नोड पर इसको हमें रन करना है, तो होस्ट के सामने लिख दिया है ऑल। चलिए नाम दे रहे हैं चेकिंग दी ब्लॉक स्टोरेज अवेलेबिलिटी, और हम यहाँ ब्लॉक एंड रेस्क्यू का यूज़ करेंगे इसमें भी। तो ब्लॉक के अंदर मैं पहला टास्क लिख रहा हूँ कि अगर VDB एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो एक मैसेज प्रिंट हो कि दिस डिस्क डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिबग मॉड्यूल की मदद से ये काम हम कर लेंगे। और वैन कंडीशन मैंने लगा दी है कि इसे एंसिबल डिवाइसेज में अगर ये नहीं दिखता है तो फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर अगर ये अवेलेबल है डिस्क तो फिर उस पर 1200 MB का एक पार्टीशन क्रिएट हो, और इसके लिए हम पार्टीड मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। डिवाइस का नाम मेंशन कर दिया है, पार्टीशन का नंबर मेंशन कर दिया है, पार्टीशन का साइज मेंशन कर दिया है, स्टेट में लिख दिया है प्रेजेंट, और ये काम कब हो जब ये डिस्क वहाँ मौजूद हो। चलिए अब चलते हैं आगे। अब अगर 1200 MB का साइज अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो स्पेस है वो उतना नहीं है जितना हमें चाहिए, तो एक मैसेज प्रिंट हो पहले, तो डिबग मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ अगर स्पेस उतना नहीं है तो फिर ये रेस्क्यू मोड में आ जाए, और यहाँ ये टास्क जो है जिसमें एक मैसेज प्रिंट कराना है डिबग मॉड्यूल की मदद से, तो वो हम मेंशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ डिबग मॉड्यूल के अंदर हमने लिख दिया है कुड नॉट क्रिएट दी पार्टीशन ऑफ दैट साइज, यानी कि ये वाला टास्क परफॉर्म हो जाएगा फिर। और इसमें भी हम कंडीशन लगा देते हैं वैन कंडीशन, VDA1 नॉट हिंदी एंसिबल डिवाइसेज डॉट VDB, यानी कि VDA1 अगर नहीं है इन एंसिबल डिवाइसेज वाले जो ये वैल्यू है इसके अंदर, अगर ये नहीं दिखता है और इसमें स्पेस नहीं है उतना, तो यहाँ ये एरर मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। अब हमें यहाँ उस केस में 1200 की जगह 800 MB का पार्टीशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक टास्क लिख लेते हैं पार्टीड मॉड्यूल का यूज़ करते हुए। तो जो डिवाइस है वो है /dev/VDB, नंबर है 1 पार्टीशन का, साइज़ है 800 MB, और स्टेट में लिख दिया है प्रेजेंट।
अब अगर पार्टीशन बन जाए तो हर बार फिर वो फॉर्मेट हो EXT4 टाइप फाइल सिस्टम में, तो उसके लिए एक टास्क यहाँ मेंशन कर देते हैं ऑलवेज के साथ इस तरीके से। तो क्रिएटिंग दी EXT4 फाइल सिस्टम, और फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज़ किया है, फाइल सिस्टम का टाइप मेंशन कर दिया, डिवाइस जो है यानी कि जो पार्टीशन है /dev/vdb1 उसका नाम मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको क्योंकि उसको माउंट भी करना है तो हमें यहाँ इसके लिए भी एक टास्क लिखना होगा, देखिए। अब माउंटिंग दी फाइल सिस्टम नाम से एक टास्क हमने लिख दिया है जिसमें कि माउंट मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पर माउंट करना है? /srv डायरेक्टरी पर करना है। सोर्स क्या है? /dev/vdb1। फाइल सिस्टम का टाइप है EXT4, स्टेट में रहेगा माउंटेड। और ये कब परफॉर्म हो? जब प्रोड हो ग्रुप नेम के अंदर, यानी कि सिर्फ प्रोडक्शन वाली मशीन पर ये हो, बाकी पर ना हो। इसके बाद 3 डॉट लगाएंगे और प्लेबुक को सेव करेंगे। चलिए अब हम इस प्लेबुक को पुश कर सकते हैं, तो ansible-playbook-partition.yml प्लेबुक एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुकी है। फैक्ट्स को गैदर किया जा रहा है। अब vdb1 नाम की जो डिस्क है वो मौजूद ही नहीं है, तो देखिएगा क्या मैसेज प्रिंट होगा। देखिए जो टास्क हैं वो स्किप हो चुके हैं, और यहाँ आप मैसेज देखिएगा, दिस डिस्क डज नॉट एग्जिस्ट। सारी ही मशीन्स पर ये मैसेज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये डिस्क है ही नहीं, तो ना तो 1200 MB का पार्टीशन क्रिएट हो पाएगा, और ना ही 800 MB का पार्टीशन क्रिएट हो पाएगा, और ना ही फिर वो फॉर्मेट हो पाएगा EXT4 टाइप फाइल सिस्टम में। तो चलिए ये वाला जो टास्क था ये भी हमने परफॉर्म कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें आपको Ansible Navigator का यूज़ करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ आपको Ansible के अंदर ऐसी लिनक्स रोल्स क्रिएट करने हैं, एक प्लेबुक आपको लिखनी है ऐसी लिनक्स.yml नाम से, और कुछ कंडीशंस यहाँ आपको दी गई हैं। आपको सारे ही मैनेज नोड्स पर जो ऐसी लिनक्स है उसको इस प्लेबुक की मदद से करना है परमिसिव। अभी वो होगा एनफोर्सिंग मोड में, तो आपको उसको चेंज करके करना होगा परमिसिव, और आपको फिर वेरीफाई करना है कि जो ऐसी लिनक्स का मोड है वो परमिसिव हो चुका है, और ये काम आप Ansible एडहॉक कमांड से करेंगे। उसके बाद आपको ये जो प्लेबुक आपने लिखी है ऐसी लिनक्स.yml इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है ऐसी लिनक्स 2.yml के नाम से, और इसमें फिर आपको कुछ चेंजेस करने हैं ताकि आप उस ऐसी लिनक्स 2.yml वाली फाइल को एग्जीक्यूट करा करके दोबारा से जो आपका ऐसी लिनक्स का मोड है उसको एनफोर्सिंग कर सकें सारे के सारे मैनेज नोड्स पर। फिर उसके बाद आपको उसको डायरेक्टली रन नहीं करना है, जब आप उसमें चेंजेस कर लेंगे ऐसी लिनक्स 2.yml वाली फाइल में, फिर आपको उसको रन करना है Ansible Navigator का यूज़ करते हुए, और फिर आपको दोबारा से वेरीफाई करना है कि सारे ही मैनेज नोड पर जो ऐसी लिनक्स का मोड है वो एनफोर्सिंग हो चुका है। तो चलिए कैसे करेंगे करके दिखाता हूँ। मेक श्योर करेंगे कि हम इसी Ansible वाली डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो pwd कमांड चला कर आप वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर वहाँ नहीं है तो आप cd कमांड चला के इस लोकेशन में आ जाएं पहले। इसके बाद यहाँ आपको Ansible Galaxy से linux-system-roles.sclinux नाम के रोल को इंस्टॉल करना है। क्योंकि इसका यूज करेगा सिस्टम चेंजेस करने के लिए। अब इसके बाद आपको एक प्लेबुक लिखनी है ऐसी लिनक्स.yml के नाम से, तो 3 डैश लगाते हैं, प्लेबुक को नाम दे रहे हैं, क्रिएटिंग अ प्ले फॉर ऐसी लिनक्स मोड। सारे मैनेज नोड पर इसको रन करना है, तो होस्ट्स के सामने लिख दिया है ऑल। अब यहाँ हम वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ एक वेरिएबल है ऐसी लिनक्स_state, इसके सामने मैं लिख दे रहा हूँ परमिसिव,
क्योंकि हमें परमिसिव करना है ऐसी लिनक्स के मोड को सारे ही मैनेज नोड्स पर। और यहाँ हम रोल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं रोल्स, और यहाँ हमने रोल्स जो इंस्टॉल किए हैं उसका पाथ और उसका नाम मेंशन कर देंगे। तो इसका नाम मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद तीन डॉट लगाएंगे और प्लेबुक को सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कि जो वेरिएबल है जिसमें हमने मेंशन किया ऐसी लिनक्स स्टेट, उसकी वैल्यू हो जाए परमिसिव। लेकिन इस प्लेबुक को रन करने से पहले हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ऐसी लिनक्स का जो करंट स्टेटस है वो क्या है। तो एनसीबल एडोक कमांड से हम ऐसी स्टेटस कमांड चला लेते हैं सारे मैनेज नोड्स पर, और हम चेक कर लेते हैं कि जो करंट मोड है वो क्या है। देखिए, करंट मोड एनफोर्सिंग है और फाइल के अंदर जो मोड है वो भी एनफोर्सिंग है सारे ही मैनेज नोड्स पर। अब इसके बाद आपको इस प्लेबुक को पुश करना है। तो एनसीबल हाइफन प्लेबुक selinux.yml प्लेबुक को पुश कर रहे हैं। तो ये रोल्स का यूज़ करेगा और selinux का जो मोड है उसको परमिसिव कर देगा सारे ही मैनेज नोड्स के ऊपर। देखिए चेंजेस हुए हैं, येलो कलर से शो कर रहा था। देखिए चेंजेस हो चुके हैं। अब हम दोबारा से वेरीफाई करते हैं कि क्या ऐसी लिनक्स का जो मोड है वो सारे ही मैनेज नोड पर परमिसिव हो चुका है या नहीं। तो ऐसी स्टेटस कमांड चला दे रहे हैं। देखिए करंट मोड भी परमिसिव है और फाइल के अंदर जो मोड है वो भी परमिसिव है, और ये सारे ही मैनेज नोड पर हो चुका है। तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी कॉपी बनानी है। ये जो selinux.yml नाम की फाइल है, किस नाम से कॉपी बनानी है, selinux2.yml के नाम से, क्योंकि ये प्लेबुक हम यूज़ करेंगे selinux को दोबारा से एनफोर्सिंग करने के लिए। vi एडिटर का यूज़ करते हैं और इस फाइल में हम नेसेसरी चेंजेस करेंगे। तो जहां हमने इसमें वेरिएबल की वैल्यू के सामने लिखा था परमिसिव, अब हम यहां लिख देंगे एनफोर्सिंग। अब आप दोबारा से इस प्लेबुक को पुश करेंगे तो ये एनफोर्सिंग मोड में काम करने लगेगा। लेकिन हमें प्लेबुक को डायरेक्टली पुश नहीं करना है, हमें एनसीबल नेविगेटर का यूज़ करना है। इसीलिए मैंने एनसीबल नेविगेटर इंस्टॉल भी किया था। तो एनसीबल नेविगेटर जैसे मैंने तो पिप से इंस्टॉल करके दिखाया था, आप उसको sudo dnf install hyphen y ansible hyphen navigator कमांड चलाकर भी कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग में आपने नहीं किया है। तो आप ये कमांड चलाकर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पिप का यूज़ करके, पाइथन की लाइब्रेरी है उसका यूज़ करके, पिप इंस्टॉल कमांड यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर लिया था। अब आप एक बार एनसीबल नेविगेटर इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद एनसीबल नेविगेटर की मदद से इस प्लेबुक को पुश कर सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको लिखना है एनसीबल नेविगेटर रन हाइफन एम एसटीडी आउट और प्लेबुक का नाम। तो यहाँ जो प्लेबुक आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे selinux2.yml वाली। तो ये कमांड आप चलाएंगे तो एनसीबल नेविगेटर इस प्लेबुक को एग्जीक्यूट करा देगा सारे ही मैनेज नोड्स पर। इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये इसकी इमेज को पुल करेगा पहले मेरे केस में।
टोटल 180 MB की ये इसकी इमेज है, जिसमें थोड़ा सा समय ले रहा है। लगभग 1 मिनट का समय अभी और लगेगा और उसके बाद ये प्लेबुक एग्जीक्यूट हो जाएगी एंसिबल नेविगेटर से, और दोबारा से जो एसी लिनक्स का मोड है वो सारे ही मैनेज नोड्स पर हो जाएगा एनफोर्सिंग। आपको वेट करना है, आपको यहाँ पेशेंस से काम लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ कंट्रोल सी दबा दिया या कैंसिल कर दिया ऑपरेशन को। अब क्योंकि हमें कहा था कि एंसिबल नेविगेटर से ये काम करना है, तो इसलिए मैंने ये काम एंसिबल नेविगेटर से किया था। देखिए प्लेबुक एग्जीक्यूट हो रही है। अगर आप लॉगिन CTL इनेबल हाइफन लिंगर कमांड चला लेंगे तो ये जो वार्निंग्स यहाँ दिख रही हैं ये नहीं दिखेंगी फिर आपको, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा काम हो जाने के लिए सफिशेंट है। तो एंसिबल नेविगेटर इस प्लेबुक को अब एग्जीक्यूट करा रहा है, जिसमें कि रोल्स का यूज़ किया गया है सिलिनक्स के, और यहाँ फिर क्योंकि जो हमने वैल्यू थी उस वेरिएबल की उसके सामने लिख दिया था एनफोर्सिंग, तो अब जो मोड है वो दोबारा से चेंज होकर हो जाएगा एनफोर्सिंग सारे ही मशीन्स पर। तो ऐसे लिनक्स एनफोर्सिंग मोड में वापस आ जाएगा। अभी मैं आपके कमेंट्स भी लूंगा और मैं एक कंसोलिडेट करके सेशन अलग से अपलोड कर दूंगा दोनों ही पार्ट्स को मर्ज करके, और उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन रखेंगे, बाकी जो आपके कमेंट्स वगैरह हैं वो नहीं रखेंगे, ताकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ढूंढना ना पड़े और उस पर आप टाइम लाइन जो है वो अगर डाल पाएँ, कमेंट कर पाएँ कि भाई कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन किसने से कितने ड्यूरेशन में मैंने सॉल्व किया है, तो उससे काफ़ी मदद मिल जाएगी बाकी लोगों को जब वो बाद में देखेंगे उस वीडियो को। देखिए चेंज हो गया मोड जो है, क्योंकि येलो कलर से चेंजेस शो हुए हैं हमें। तो फाइनली सब कुछ सेट है। अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या एसी लिनक्स का जो मोड है वो चेंज हुआ है या नहीं। तो एनसीबल एडोक कमांड चला लेते हैं, एसी स्टेटस कमांड एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। देखिए दोबारा से एनफोर्सिंग मोड में वापस आ चुका है एसी लिनक्स सारे ही मैनेज नोड्स पर। करंट मोड भी एनफोर्सिंग शो हो रहा है और जो फाइल के अंदर मोड है वो भी एनफोर्सिंग शो हो रहा है। और इसी के साथ हमने फाइनली अपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ट्राई करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है आपको हमारे गूगल ड्राइव पर, जितने भी मेम्बर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जो लोग अपीयर होना चाह रहे हैं एग्ज़ाम में वो इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। और उन सभी को ऑल द बेस्ट फॉर देयर RHCE एग्ज़ाम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फ्रॉम नेहरा क्लासेस। चलिए तो अब आज के सेशन में इतना ही। अब मैं इन मशीन्स को बंद कर देता हूँ और अब मैं आपके कमेंट्स लूँगा। एक मिनट का समय दीजिएगा मुझे। चलिए अब आपके चैट मैसेजेस की बारी है। तो फाइनली हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। चलिए सबसे पहले कौशल्या सरदाना जी ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ली है आज स्टैंडर्ड लेवल की, तो वेलकम टू नेहरा क्लासेस सरदाना जी। मुकेश कुमार जी गुड इवनिंग, देवेंद्र भाई गुड इवनिंग, सकलदीप पोदार जी गुड इवनिंग, ग्रेट अग्रेस जी गुड इवनिंग, हैंग आउट बड़ी हाय, ER अमित बोल रहे हैं ऑल गुड थैंक यू सो मच, अजय सिंह जी हाय, संदीप पांडा जी गुड इवनिंग, अखिल साई जी गुड इवनिंग, देवेंद्र जी कह रहे हैं एब्सोल्यूटली क्लियर सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए, आई एम न्यू टू द कम्युनिटी,
वेलकम टू नेहरा क्लासेस। बोंगो डी बी जी, हेलो सर एंड हेलो एवरीवन बोल रहे हैं। आतिफ भाई गुड इवनिंग। रैन गोकू जी जय श्री राम। बोंगो डी बी कह रहे हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टास्क एंड ब्रैकेट्स। ये सारे ही मशीन्स पर एग्जीक्यूट होगा और फैक्ट्स को गैदर करने में मदद करेगा। गुरु गुरु जी गुड इवनिंग। वाई पी तंवर जी, राधे श्याम, साजन तक जी सुपर सेशन बोल रहे हैं, थैंक यू। अमित कुमार जी गुड इवनिंग। सिद्धार्थ कुमार जी गुड इवनिंग। टेक बडी जी गुड इवनिंग। सुदेश प्रज्जुली गुड इवनिंग। हरी बाबू जी हेलो बोल रहे हैं। अरे अनिरुद्ध वर्मा जी गुड इवनिंग। हैंग आउट बड़ी कह रहे हैं सिमिलर क्वेश्चन वॉज आस्क इन 447। बिल्कुल वो यूज़र वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ 447 में भी। नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये एग्जैक्टली बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है वास्तव में, क्योंकि इस सॉल्यूशन को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। तापस अमल जी जय जगन्नाथ। रचित साकी जी हाय। जफरुल हसन जी गुड इवनिंग, सॉरी आई एम लेट, नो इशूज़। कोहिनूर टीम योगेश चावड़ा कह रहे हैं सर हम रेड हैट 8 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बुक किया है तो दे सकते हैं, लेकिन 9 पे दें तो ज़्यादा अच्छा है, 8 पे देने की क्या ज़रूरत है। नितिन सालू के कह रहे हैं कैन वी डाउनलोड दिस एग्ज़ाम सॉल्यूशन पेपर बाई पेड। देखिए डाउनलोड नहीं हो पाएगा, सिर्फ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने से क्या होता है कि ये पेयर लीक हो जाता है। अब इसका जो सॉल्यूशन है मैंने खुद क्रिएट किया है, मैं नहीं चाहता कि वो लीक हो। आरएसपी कह रहे हैं सर आरएचसीएससी एग्ज़ाम फीस कितनी होती है। 16,500 प्लस जीएसटी, यानी कि लगभग 19,500 लोग चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ लोग डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं, तो कुछ लोग आपको वाउचर इसका प्रोवाइड कर देंगे 14,000-15,000 इस तरीके से। वेरी यूज़फुल सेशन कह रहे हैं मंजेश जी। सुभाष मानता जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन, थैंक यू। आर एस पी बोल रहे हैं सर आर एस सी एग्ज़ाम में कोई स्कॉलरशिप नहीं है क्या। आप रेड हैट के पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि मैं वाउचर्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। आतिफ भाई नाइस सेशन बोल रहे हैं, थैंक यू। हैंग आउट बड़ी कह रहे हैं थैंक्स अलॉट। अजय सिंह कह रहे हैं हाउ मैनी मॉड्यूल्स आर इम्पोर्टेंट। 30-40 मॉड्यूल तो ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। मॉड्यूल तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आरएचसीई का पार्ट है, लेकिन उसमें से भी जो 30-40 मॉड्यूल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तुषार जी कह रहे हैं एज़ यूजुअल ऑसम, थैंक यू। रचित भाई कैसे हैं आप, काफ़ी दिनों बाद आपको लाइव स्ट्रीम पर देखा। गुरु गुरु जी कह रहे हैं फैंटास्टिक सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केट संदीप जी गुड इवनिंग। सकलदीप भाई कह रहे हैं ऑसम सेशन, पैचिंग पढ़ा दीजिए। पैचिंग का सेशन बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट सेशन जो है पैचिंग का ही आएगा और उसके बाद हम AWS स्टार्ट कर रहे हैं 15 सितंबर 2023 से। रिमी जी कह रहे हैं सर दीज क्वेश्चंस आर डेफिनेटली अ गुड हेल्प फॉर RHCE एग्ज़ाम, थैंक्स एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। हिमांशु सेन जी ने मेंबरशिप ली है स्टैंडर्ड लेवल की, वेलकम टू नेहरा क्लासेस। यार अमित कह रहे हैं ग्रेट सेशन, आज एनसीबल का रट्टा ख़त्म हुआ। बिल्कुल मेरी तरफ से आज एनसीबल ओवर। कोहिनूर टीम कह रहे हैं सर अभी रेड हैट के टॉपिक्स बहुत रहे हैं, हमने तो कोई नहीं छोड़ा रेड हैट का टॉपिक, पैचिंग है वो हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। आतिफ कह रहे हैं सर पैचिंग आएगा AWS से पहले। बिल्कुल पैचिंग का सेशन मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा, मे बी 2-3 दिन के अंदर आपको वीडियो वहाँ मिल जाएगा और वो लाइव हो जाएगा जैसे ही 35,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। जितना जल्दी कंप्लीट होंगे उतना जल्दी वो आपके पास देखने को मिल जाएगा। नितिन सालू का कह रहे हैं विद सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्राइब फॉर एनसीबल मटेरियल आई हैड परचेज वंस फॉर 300-400, कांट यूज इट इन द परचेज इन द सेम। एनसीबल इज अवेलेबल एट एक्सटेंडेड लेवल मेंबरशिप 1199। धीरज जी कह रहे हैं दिस इज गोल्ड, दी स्टोरेज रिलेटेड क्वेश्चंस वर लेजिट, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। VPC पेयरिंग क्या होती है AWS में। AWS स्टार्ट होने दीजिए, सब कुछ सीखने को मिलेगा। 15 सितंबर से जुड़ जाइएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा बाकी दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि हम स्मूथली उस ट्रेनिंग को अच्छे से डिलीवर कर सकें। शशि किरण भट्ट जी कह रहे हैं एक्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन, वी कैन यूज़ एनसीबल प्लेबुक टू एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट। बिल्कुल आप जो है एनसीबल प्लेबुक का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो एनसीबल नेविगेटर का यूज़ कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। यार अमित कह रहे हैं 35K पर लाइव होगा पैचिंग। बिल्कुल पैचिंग का मैं सेशन अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो लाइव होगा 35,000 सब्सक्राइबर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद, लगभग
प्रिसाइजली कहूँ तो 850 के आसपास सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत हो रहा है। अनुरुद्ध वर्मा जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन, लेटेस्ट कह रहे हैं सर सू से पैचिंग भी कंप्लीट कंपेयर कर देना प्लीज़। मुझे सू से नहीं आता भाई, सू से पर मैंने काम किया ही नहीं है। हमजा सोकत जी कह रहे हैं सर बीपीसी भी कोई सर्वर है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अमित कह रहे हैं सर AWS हेल्प मी अ लॉट, आई एम गोइंग टू चेंज एंड ड्राइव इन दिस फील्ड, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। बिल्कुल, आप 15 सितंबर से जुड़ जाइए, बस फिर देखिए क्या होता है। सर आप वर्ल्ड के टॉप हैकर हो, सलाम आपको। मैं भाई कोई हैकर वैकर नहीं हूँ, मैं लिनक्स सीख रहा हूँ सिर्फ, और आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। नितिन सालू के कह रहे हैं VPC इज़ क्लाउड नेटवर्क, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब सभी के कमेंट्स मैंने ले लिए हैं और मैं इन दोनों पार्ट्स को मर्ज करके एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, कम्प्लीटली RHCE के सॉल्यूशन पर बेस्ड। और जितने भी लोग एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ पहले आप इस ट्रेनिंग को फॉलो करें, ये जो 50 सेशन हमने इस ट्रेनिंग में डिलीवर किए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर ये जो एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है इसको गो थ्रू करें, 2-3 बार इसको खुद से करके देखें बिना सॉल्यूशंस को चेक किए, और उसके बाद ही आप एक्चुअल एग्ज़ाम में अपीयर हों। तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस प्ले बुक से, ना केवल एनसीबल को पढ़ने में समझने में बल्कि एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी। तो चलिए अब आज के सेशन में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा बाकी दूसरे लोगों के साथ जो लिनक्स एनसीबल वगैरह सीखना चाह रहे हैं या फिर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं IT इंफ्रा डोमेन के अंदर। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में, जहाँ मैं आपके लिए पैचिंग का वीडियो अपलोड करूंगा, और उसके बाद हम 15 सितंबर 2023 से AWS स्टार्ट करेंगे, 9:30 उसका समय है, और वो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी हमेशा आप सभी के लिए, उस पर कोई मेंबरशिप नहीं लगाई जाएगी। तो प्लीज़ उसमें आपका सहयोग प्रार्थनीय रहेगा, प्लीज़ उन वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना, और बाकी दूसरे लोगों के साथ जो है उनको रिकमेंड कीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट को, ताकि वो भी AWS फ्री में सीख पाएँ। अब आज के सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।